नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रेश टाइम न्यूज। मैं पुनीता मिश्रा, आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। कोटेदार पर लगा धांधली का आरोप, दुबह बाजार गुंडा। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार से लेकर जिला प्रशासन तक खाद्यान्न वितरण की समस्या से लाभार्थियों को निजात दिलाने हेतु नित नए फरमान जारी किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ दबंग किस्म के कोटेदार प्रशासन के फरमानों को ताक पर रखकर बेखौफ होकर मनमानी करते हुए लाभार्थियों को हर यूनिट पर 4 किलो गल्ला देते हैं। अंत्योदय कार्ड धारकों को 30 किलो गल्ला 100 रुपए में देते हैं और प्रति यूनिट पर 4 रुपए किलो के हिसाब से भुगतान लेते हैं, और कई लाभार्थियों का अंगूठा लगवा कर भी गल्ला नहीं दिया जाता है। वही विकासखंड कटरा बाजार के अंतर्गत ग्राम पंचायत रायपुर के ग्रामीणों ने बताया कि विरोध करने पर कोटेदार पात्रता से नाम कटवाने की धमकी देता है। पुष्पा सुंदर देई, श्यामकली अरुण मिश्र, भगवान प्रसाद पांडे निवासी रायपुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोटेदार द्वारा हम लोगों को बहुत परेशान किया जाता है। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि कोटेदार हम लोगों को हर यूनिट पर 3 से 4 किलो गल्ला देता है और 4 रुपया किलो के हिसाब से भुगतान कराता है, और विरोध करने पर पात्रता से नाम। दादा आपका? भगवान प्रसाद पांडे। अच्छा, ये कौन ग्राम पंचायत का? ये रायपुर ग्राम पंचायत। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, 4 रुपया किलो गल्ला मिलता है और जो है अंत्योदय कार्ड पर जो है एक यूनिट कार्ड के देते हैं, 5 किलो गल्ला कम देते हैं, 35 किलो है तो 35 किलो मिलता है। आपका अंत्योदय कार्ड है? अच्छा, कितना गल्ला मिलता है आपको? 30 किलो। कितने, क्या रेट से मिलता है? 4 रुपया रेट। 30 किलो का कितना पैसा लेते हैं? 30 किलो के लेते हैं वैसे लेते 90-100 रुपये लेते हैं। आपका? अच्छा, ये कौन सा ग्राम पंचायत है? ये रायपुर। अच्छा, क्या दिक्कत है आप? दिक्कत यह है कि 20 किलो गल्ला भाई है, 25 किलो भावे चाहिए, 5 यूनिट में है तो 20 किलो गल्ला हमका मिल रहा है। कितने पैसे में देते हैं? 80 रुपये। क्या हिसाब से? 4 रुपये। 4 रुपये के रेट? हाँ, चाहे गेहूँ ले जाए चाहे चावल ले जाए, 4 रुपये किलो। हाँ, सब गल्ला सब। एक यूनिट कम देते हैं प्लस 4 रुपये में। हाँ।